जय हिंद क्लेसर्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। गाइस, यहाँ पर टाउन हॉल 7 के अकाउंट पे अपने किंग को हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं एक बिल्डर के साथ। एंड अभी तीन बिल्डर्स फ्री हैं, तीन में से हम लोग एक आरसे टावर अपग्रेड कर लेंगे। एंड अभी दो बच्चे तो एक काइनेंस को अपग्रेड कर लेंगे 4 घंटे के लिए। एक बिल्डर फ्री है, इससे हम लोग यहाँ पर अपग्रेड कर लेते हैं। लैब फ्री है, चलिए लैब में वॉल्स, ये अपनी वॉल्स अपग्रेड कर लेते हैं। थोड़ी वॉल्स बची है, एक और वॉल्स है, इसको भी अपग्रेड कर लेते हैं। एंड सारी वॉल्स अपग्रेड कर ली। लैब में अपने को अभी गोब्लिन एंड मिनियंस, तो यहाँ पर हम लोग गोब्लिन को अपग्रेड करेंगे 12 घंटे के लिए। एंड सारी चीज़ें अपग्रेड पे डाल दी, एक बिल्डर बचा है एंड इसको हम लोग बम अपग्रेड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्प्रिंग ट्रैप्स है, गोल्ड माइन है। एंड चलिए ठीक, हमने इसको बम से अपग्रेड पर डाल दिया एंड सारे बिल्डर अपग्रेड पर डाल दिए। गाइस यहाँ पर देख सकते हो, विदाउट किंग हम लोग अब अटैक करने वाले हैं मल्टीप्लेयर बैटल में। खतरनाक आर्मी, 3 रेज हैं एंड अपने पास लून्स हैं, लगभग 34 लून्स एंड 15 मिनियंस के साथ। और रेज स्पेल 3 है, इसी में हमने ड्रैगन्स ले रखा है। एंड ये बेस लेआउट है और इस बेस पे हम लोग अटैक करेंगे एयर स्वीपर के अपोनेंट साइड से। यहाँ पर एक लून्स ड्रॉप कर दिया जिससे कि सीसी लूर हो सके। सीसी में कुछ नहीं है, खाली है अपोनेंट की सीसी। तो यहाँ पर हम लोग को अटैक बेस रस है, चाहते तो अटैक नहीं करते, बट इस पे हम लोग को मिल रहे हैं 35 ट्रॉफीज। तो वैसे इसलिए हम लोग इस बेस पर अटैक कर रहे हैं। फर्स्ट रेज ड्रॉप कर दिए है एंड यहाँ पर अपने लून्स आगे की साइड पे मूव कर चुके हैं। एंड यहाँ पर एक और रेज स्पेल ड्रॉप करना पड़ेगा, 2 एयर डिफेंस हैं, दोनों साइड पे एक एक रेज स्पेल ड्रॉप कर देंगे जिससे कि यहाँ पर नेटवर्क इशू आ गया भाई। और ये नेटवर्क इशू डाउन हो चुका है, यहाँ पर दोनों रेज ड्रॉप कर दी दोनों साइड पर। और क्लीन अप के लिए पीछे से मिनियंस को डिप्लॉय कर दिया है। सीसी में हम लोग एक ड्रैगन्स लेके आए थे, अगर सीसी में कुछ भी निकलता तो वहाँ पर हम लोग ड्रैगन से उसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो बाहर की साइड पे हमने बिछा दिए हैं अपने मिनियंस और ये क्लीन अप का वर्क कर रहे हैं। और अभी देख सकते हो बहुत सारे लोन्स भी हैं और बहुत सारे मिनियंस हैं। अब हो जाएगा ये इजी तरीके से 3 स्टार अच्छी लूट के साथ। तो इस बेस पे मेन मकसद था, क्योंकि 35 ट्रॉफीज थी इसलिए अटैक कर दिया। तो हम लोग सेम आर्मी के साथ एक और अटैक करेंगे मल्टीप्लेयर बैटल में। तो गाइस चलते हैं, यहाँ पर स्टार बोनस भी मिल चुका है एंड फिर से हम लोग मल्टीप्लेयर बैटल। तो ये आ चुका है टाउन हॉल 8 का बेस, इस बेस से हम लोग टाउन हॉल 7 से अटैक करेंगे, वो भी विदाउट किंग के। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, सीसी में कुछ नहीं, लून्स डिप्लॉय कर दिए। और यहाँ पर बाहर के साइड पे एयर डिफेंस रेज, दोनों एयर डिफेंस एक ही रेज स्पेल में आ चुके हैं। लून्स बहुत सारे वहाँ पर डिप्लॉय कर दिए अपने लून्स आगे की साइड पर मूव करते हुए एंड 14 लून्स अपने पास और हैं, सारे लून्स हमने डिप्लॉय कर दिए। अभी 2 रेज स्पेल है, ऊपर के साइड पर एक एयर डिफेंस है जो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, बट वहाँ पर एक रेज हमने और ड्रॉप करी एकदम परफेक्ट टाइमिंग एंड प्लानिंग के साथ बोल सकते हो। एयर डिफेंस अभी भी है, वहाँ पर लून्स पहुँच चुके हैं और लास्ट डिफेंस है बिजार टावर जो दिक्कत देता है लून्स को, और एक और डिफेंस है जो कि है बॉम्ब टावर। अभी देख सकते हो बाहर की साइड पे हमने मिनियंस डिप्लॉय कर दिए क्लीन अप वर्क के लिए और सीसी का ड्रैगन अभी भी अपने पास सेव है। और अपना देखा जाए तो यहाँ पर विदाउट किंग हम लोगों ने अटैक किया है टाउन हॉल 7 से टाउन हॉल 8 पे। तो गाइस एक लाइक तो बनता है वीडियो को, अगर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी करते जाना गाइस। और बहुत जल्द हम लोग अदर टाउन हॉल की अटैक स्ट्रेटजी की वीडियो आने वाली है, एक शायद नेक्स्ट वीडियो आ जाए टाउन हॉल 14 की गाइस, एकदम खतरनाक तरीके की आएगी टाउन हॉल 14 अटैक स्ट्रेटजी। तो चैनल पर सपोर्ट दिखाते रहना। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।